हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माय नेम इज़ सर्विस सिंह, वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन, पोषण एंड कुपोषण। तो जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले वो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। तो ध्यान दीजिए, ये टॉपिक जूनियर लेवल का है, क्लास सिक्स सेवेंथ ईयर के लिए है। ये फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है। आपको मैंने बैक वीडियो में शारीरिक शिक्षा के विषय में बताया था, इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि है, क्या क्या इसके माध्यम से हो सकता है। तो आज का टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन, पोषण, इसके साथ साथ कुपोषण भी है। तो जितना इम्पोर्टेंस, जितना महत्व फिजिकल एजुकेशन में गेम का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन का भी होता है, पोषण का भी होता है। क्यों होता है ये पोषण का इम्पोर्टेंस? क्योंकि दैनिक कार्य जितने भी हम करते हैं, उन सभी में एनर्जी की नीड होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। और वो ऊर्जा हमारे बॉडी के लिए कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमारे बॉडी के लिए पोषण से मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है। अगर न्यूट्रिशन की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, आवश्यक पदार्थों की कमी हो जाएगी, तो बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। जैसे अभी आपको बताया गया था कि कुपोषण, आवश्यक कुपोषण यानी आवश्यक पोषक पदार्थों की जब बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, या कह सकते हैं फूड के साथ में आवश्यक पोषक पदार्थों को जब हम नहीं लेते हैं, तो शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसे कुपोषण कहते हैं। अधिकांश मात्रा में बच्चों के अंदर कुपोषण होता है। 1 से 4 वर्ष के बच्चे में सबसे ज्यादा कुपोषण होता है। अगर वो कुपोषण हो जाता है बच्चे के अंदर, तो बच्चा लाइफ भर उतना डेवलप नहीं कर पाता है जितना कि डेवलप उसे करना चाहिए। तो इसलिए कुपोषण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपना न्यूट्रिशन लेना चाहिए? कुपोषण के लिए उत्तरदायी कौन है? कुपोषण के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है कुपोषण के लिए? तो देखिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ये कारक हैं जिनकी कमी हो जाती है, जिसके माध्यम से कुपोषण हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहला दिया है प्रोटीन। प्रोटीन बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के विकास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी के अंदर या फूड मटेरियल के साथ में प्रोटीन की मात्रा नहीं पहुंचती है, तो क्या होगा? ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेन का विकास नहीं होगा। जितना विकास होना चाहिए, उतना विकास ब्रेन का नहीं होगा। तो होगा क्या? बच्चे के अंदर सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। खेलने के साथ साथ सोचने समझने की क्षमता भी क्षीण हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगा, उसका मस्तिष्क अल्प विकसित रह जाएगा। इसलिए फूड मटेरियल के साथ में प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है, अगर इसकी बात करते हैं? दालों से मिलती है। सभी प्रकार की जितनी भी दालें होती हैं, सभी के अंदर प्रोटीन होती है। दालों से मिलती है, अंडे से मिलती है, मछली से मिलती है, मीट से मिलती है, हरी सब्जियों से मिलती है। यानी कई ऐसे सोर्स हैं, कई ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें प्रोटीन मिलती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्वासर योरकर और मैरास्मस रोग हो जाते हैं। इन रोगों में होता क्या है? शरीर इतना वीक हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, पेट निकल आता है, त्वचा सूख जाती है, आंखें गड्ढों में धंस जाती हैं। हर समय ये बच्चे रोते हैं, हंसते नहीं है, रोते हैं ये। ना इनका खेलने मन लगता है, ना इनका पढ़ने मन लगता है, इनका किसी काम में मन नहीं लगता है, सिर्फ मन लगता है तो किस में लगता है? रोने में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो चुकी है उसके अंदर। तो हमें फूड में क्या क्या लेना चाहिए प्रोटीन को पर्याप्त करने के लिए? दाल लेनी चाहिए, अंडा यूज़ करना चाहिए, और इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जो हरी सब्जियां होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जिनके माध्यम से हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? विटामिन। जितनी जरूरत प्रोटीन की है, उतनी ही जरूरत विटामिन की भी है। ये विटामिन हमें विभिन्न प्रकार के सोर्स से मिलती है, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से मिलती है। विटामिन
कौन कौन सी होती हैं? दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन केवल दो होते हैं, विटामिन बी और सी। शेष वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए डी ई के, तमाम प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर कुछ विटामिन बताए गए हैं आपके लिए, तो जिनकी कमी हो जाती है तो उनसे रोग फैल जाते हैं, जैसे रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। अगर रतौंधी रोग हो जाएगा तो क्या होगा? दिन में तो स्पष्ट दिखाई देगा उसे, लेकिन रात्रि के समय उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। विटामिन ए हमें किससे लेना चाहिए? दूध से लेना चाहिए, गाजर से लेना चाहिए, मूली से लेना चाहिए, शलजम से लेना चाहिए, हरी सब्जियों से लेना चाहिए। इसी तरीके से विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? हृदय के विभिन्न रोग हो सकते हैं, घबराहट भी हो सकती है, हार्ट अटैक तक हो सकता है, वाइब्रेशन भी हो सकता है। तो विटामिन बी हमें कहाँ से लेनी चाहिए? हरी सब्जियों के माध्यम से मिलती है, दूध के अंदर भी विटामिन बी मिलती है। पालक से मिलती है, हरी सब्जियों से मिलती है, विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों से मिलती है। तो इसी तरीके से विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी होने से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग की पहचान क्या होती है? स्कर्वी रोग की पहचान होती है जो मसूड़े होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अगर इसे काफी दिन तक बने रहते हैं तो कंडीशन क्या होती है? वो पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है, पायरिया में परिवर्तित हो जाता है। दांत कमजोर हो जाते हैं, ठंडा गर्म पानी लगता है। तो ये विटामिन सी की कमी होने पर स्कर्वी रोग होता है। तो पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलती है? इसके सोर्स क्या है? इसके स्रोत क्या हैं? विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, सभी प्रकार के खट्टे पदार्थों के अंदर विटामिन सी पाई जाती है, और यहां तक कि मिर्च के अंदर भी विटामिन सी होती है। तो नेक्स्ट, इसी तरीके से नेक्स्ट रोग कौन सा दिया है? रिकेटस। रिकेटस क्या है? एक सूखा रोग है। विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो रिकेटस रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, जिससे त्वचा सूख जाती है, हाथ पैर सूख जाते हैं, पेट निकल आता है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसे रिकेटस रोग या फिर इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी का सोर्स क्या है? इसका स्रोत क्या है? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है? सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन डी का सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होती है। इसके साथ साथ विटामिन डी दूध के अंदर भी मिलती है, बसा के अंदर भी मिल जाती है, टमाटर के अंदर भी मिलती है, हरी सब्जियों के अंदर भी मिल जाती है, लेकिन विटामिन डी मछली के अंदर भी मिलती है, लीवर के अंदर भी मिलती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। तो इसी तरीके से विटामिन भी इसी तरीके से लेना आवश्यक है। यदि विटामिन की कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, इसलिए विटामिन भी लेना आवश्यक होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है? बसा। बसा क्या करती है? बसा हमें कहाँ से मिलती है? बसा अधिकांश मात्रा में घी से मिलती है। ऑयल जो होता है, फैट होता है, ये जो बसा होती है तैलीय पदार्थों से मिलती है, जैसे सरसों का तेल है, रिफाइंड है, घी है, मक्खन है, पनीर है, इनसे हमें क्या मिलता है? मूंगफली का तेल है, तो इनसे हमें क्या मिलता है? बसा मिलती है। ये बसा हमारे शरीर के लिए, मांसपेशियों के लिए, अगर इसकी कमी हो जाती तो कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, कुपोषण रोग हो जाता है, त्वचा सूखना प्रारंभ कर देती है, स्किन सूखने लगती है। नेक्स्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जितनी आवश्यकता वसा की होती है, प्रोटीन की होती है, विटामिन की होती है, उससे कई ज्यादा आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट की भी होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से है?
कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें अनाज से मिलता है, रोटी से मिलता है, चावल से मिलता है, फलों से मिलता है, केले से मिलता है, मक्के से मिलता है, आलू से मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जिस दिन अगर हम रोटी नहीं खाते हैं, चाहे आप कुछ भी खा लें, लेकिन फिर भी शरीर के लिए आपके लिए कमजोरी महसूस करते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्या है? खनिज लवण। जितनी जरूरत इन सब पदार्थों की होती है, उतनी ही जरूरत इस खनिज लवण की भी होती है। ये भी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर विशेष कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं ये काम? जैसे अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी के ऊपर चलते, इसकी कमी हो जाती तो क्या होता है? इसकी कमी होती है तो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे बीपी, आपने सुना होगा, बीपी कभी हाई हो जाता तो कभी लो हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? खनिज लवणों की कमी होने से ऐसा हो जाता है। घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन सूज जाती है, कनमड़, जैसे कहते हैं कनमड़ निकल आते हैं, ये घेंगा रोग कहलाता है। इसी तरीके से रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। और जब शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती तो क्या होता है? शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। रक्त क्या करता है? हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमें ऊर्जा देता है, विभिन्न कार्य करता है। रक्त के माध्यम से विभिन्न कार्य होते हैं। मांसपेशियां, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अस्थियां इतनी कमजोर हो जाती हैं, इतनी कमजोर हो जाती हैं कि अगर थोड़ी सी ऊंचाई से गिर जाते हैं तो अस्थियां टूट जाती हैं आसानी से। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप नोट भी इसे कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स से देख रहे हैं उसे नोट कर लें। तो जितना ही इम्पोर्टेंस सारी शिक्षा में खेल का होता है, उसके साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंस, उतना ही महत्व न्यूट्रिशन का भी होता है, पोषण का भी होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए, शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण भी लेना चाहिए। अगर इन पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है तो कुपोषण हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, मन नहीं लगता, ना तो पढ़ने में मन लगता है, ना खेलने में मन लगता है। किस में मन लगता है? सिर्फ रोने में मन लगता है। तो इसलिए खेलकूद के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में हमें आवश्यक पोषक पदार्थों को न्यूट्रिशन के रूप में, पोषण के रूप में लेना चाहिए। थैंक यू।